कैसे एक फार्मर के लड़के ने एक कंपनी बनाई जो कि वर्ल्ड में फेमस बनी। ये लड़के ने कई सारे वॉर्स देखे, फिर भी फोकस रहकर अपने बिजनेसेस खड़े किए। कैसे मिशोई सुजुकी ने सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। कैसे ये कंपनी इतनी बड़ी बनी एंड क्या स्टोरी थी ये कंपनी की। चलो ये सब के जवाब जानने की कोशिश करते हैं इन दिस वीडियो। बट उसके पहले चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं। तो चलो वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एक जापानीज मल्टीनेशनल मोबिलिटी मैन्युफैक्चरर है, जिसका हेडक्वार्टर्स है इन हमामात्सु शिजुओका में। सुजुकी मैन्युफैक्चर करती है कार्स, मोटरसाइकिल्स, ATVs मतलब ऑल टेरेन व्हीकल्स, आउटबोर्ड मरीन इंजिन्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर स्मॉल इंटरनल कम्बशन इंजिन्स। बट आखिर सुजुकी ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की शुरुआत कैसे की थी। सो सुजुकी बॉर्न हुए थे ऑन 18 फरवरी 1887 इन द विलेज ऑफ नेजुमिनो मोरा, जो कि एक छोटा सा विलेज था ऑफ फार्मर्स एंड कॉटन वीवर्स, जहां वो एक बेटे थे ऑफ कॉटन फार्मर। सुजुकी अपने बचपन से छोटे मोटे काम करते थे इन दिस कॉटन फार्म। बट जैसे जैसे सुजुकी बड़े हो गए, उन्हें लगा कि उन्हें कुछ अलग करना है, इसीलिए उन्होंने सोचा कुछ स्किल्ड वर्क करने का। सो इन 1901 जब उनकी एज थी अराउंड 14 ईयर्स, उन्होंने एक 7 ईयर्स अप्रेंटिसशिप स्टार्ट करी अंडर गाइडेंस ऑफ द कारपेंटर कोटारो इमामुरा। बट जब रूसो जापानीज वॉर स्टार्ट हुआ इन 1904, डिमांड फॉर स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप काफी कम हो गया था। इमामुरा जो कि ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम रन करते थे, उन्हें भी काफी लॉस हुआ इस वॉर से एंड उन्हें एंड उनके साथ के स्टूडेंट्स को काम करना पड़ा इन लूम्स। इमामुरा को ये काम पसंद नहीं था, बट सुजुकी को ये काम एंड रोल अच्छा लगने लगा। सुजुकी ने अपनी अप्रेंटिसशिप फिनिश करी इन 1908 जब वो 21 साल के थे एंड अगले साल ही सुजुकी अपने सिल्क वर्म फार्म, जो कि फैमिली बिजनेस था, उसे चलाने लगे, जिसे उन्होंने शिफ्ट किया इनटू अ लूम मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में। सुजुकी का फर्स्ट इनोवेशन था एक पेडल ड्रिवन लूम, जो कि वो उन्होंने अपनी माँ को दिया था यूज करने। ये मशीन के चलते वो 10 टाइम्स फास्टर कपड़े बनाने लगी थी देन अ रेगुलर हैंडलूम। जल्दी ही बात फैलने लगी सुजुकी के इनोवेशन की एंड उन्होंने इसका मास मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया एंड कंपनी को नाम दिया सुजुकी लूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो एस्टैब्लिश्ड हुई थी इन अक्टूबर 1909। अगले कई साल सुजुकी कंटिन्यू करते चले गए एंड इनोवेट करते गए लूम्स को। वो वीवर्स से बात करके, समझ के एंड उनके एडवाइस से लूम्स को मैन्युफैक्चर करते थे। कंपनी 1920 में पब्लिक गई एंड उन्हें अच्छा फेम मिला। अगले कुछ सालों तक उन्होंने प्रोडक्शन किया ऑफ पंच कार्ड लूम्स का, जो कि फेमस हुआ और उसे साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपोर्ट किया गया। कंपनी ने पहले 30 इयर्स फोकस किए इन मशीन्स बनाने में। सुजुकी को इन लूम से अच्छा सक्सेस मिल रहा था, बट सुजुकी के फाउंडर को लगता था कि कंपनी को बेनिफिट होगा अगर वो डाइवर्सिफाई करेंगे अपने बिजनेस को, इसीलिए उन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया। बेस्ड ऑन कंज्यूमर डिमांड उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्मॉल कार बनाएंगे फॉर द मासेस, जो कि एक प्रैक्टिकल एंड सक्सेसफुल वेंचर होगा। इसी के चलते ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई इन 1937 एंड अराउंड 2 साल के बाद सुजुकी ने कई कॉम्पैक्ट प्रोटोटाइप बनाए। पहले सुजुकी मोटर व्हीकल पावर थी बाय अ लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 4-सिलेंडर इंजन के साथ, बट क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ, प्रोडक्शन प्लान ऑफ सुजुकी की न्यू व्हीकल का हॉल्ट करना पड़ा। जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि सिविलियन पैसेंजर कार एक नॉन एसेंशियल कमोडिटी है उस टाइम पे, इसीलिए सुजुकी अपना पूरा फोकस फिर से लगाने लग गई ऑन लूम प्रोडक्शंस। लूम प्रोडक्शंस को एक बूम मिला था जब US गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था शिपिंग ऑफ कॉटन टू जापान। सुजुकी का लक अच्छा था, जहां ऑर्डर बढ़ने लगे इन डोमेस्टिक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। बट ये ज्यादा दिनों के लिए नहीं था, क्योंकि ये मार्केट कोलैप्स हुआ इन 1951। सुजुकी ने काफी चैलेंजेस फेस किए इस टाइम, बट वो वापस गए टू प्रोड्यूस मोटर व्हीकल्स। वॉर के बाद जापानीज लोगों को एक डेस्पिरेट नीड थी फॉर अफोर्डेबल रिलायबल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन की। उसी टाइम कई सारे कंपनीज ऑफर करना शुरू हो गए थे क्लिप ऑन गैस पावर्ड इंजिन, जो कि अटैच होते थे ऑन अ टिपिकल बाइसिकल। सुजुकी की पहली टू व्हील्ड व्हीकल एक बाइसिकल थी जिसपे मोटर बिठाया गया था, जिसका नाम था पावर फ्री। ये पर्टिकुलर मशीन्स डिजाइन करी गई थी एज एन इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल टू बिल्ड एंड मेंटेन मशीन्स। इन 1952 पावर फ्री मोटरसाइकिल्स आती थी विद 36 cc
1 हॉर्स पावर 2 स्ट्रोक इंजन के साथ। इसकी न्यू डबल स्प्रॉकेट गियर सिस्टम के चलते राइडर ये मोटरसाइकिल को पेडल कर सकते थे विद इंजन असिस्टेंस और पेडल कर सकते थे विदाउट इंजन असिस्ट, या सिंपली पेडल डिस्कनेक्ट करके मोटरसाइकिल चला सकते थे ऑन इंजन पावर अलोन। पेटेंट ऑफिस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया सुजुकी को एक फाइनेंशियल सब्सिडी का, जहां पे वो कंटिन्यू कर सकते थे अपना रिसर्च इन मोटरसाइकिल्स एंड इंजीनियरिंग एंड उन्हें बेटर बनाने की कोशिश कर सकते थे। अराउंड 1954 सुजुकी प्रोड्यूस कर रहा था 6,000 मोटरसाइकिल्स पर मंथ एंड कंपनी ने ऑफिशियली अपना नाम चेंज किया था टू सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड। सुजुकी की पहली मोटरसाइकिल के सक्सेस के चलते सुजुकी ने क्रिएट किए इवन मोर सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल द 1955 सुजुकी सुजुलाइट। सुजुलाइट ब्रांड की पहली के कार थी जो कि बिल्ड थी बाय सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन फ्रॉम 1955 टू 1969। सुजुकी की ये पहली एंट्री थी इन द ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे उन्हें प्रीवियस एक्सपीरियंस था ऑफ प्रोड्यूसिंग मोटरसाइकिल्स ओनली। सुजुलाइट कैरी ट्रक्स एंड वैन्स पहले थे जिसने कैरी लेबल यूज किया था, जो कि आज भी कुछ सुजुकी कार्स में यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। सो ऐसी हुई थी शुरुआत ऑफ सुजुकी मोटर्स। अगर आपको जानना है कैसे सुजुकी ने इंडिया में एंट्री ली एंड वो बनी मारुति सुजुकी इंडिया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मारुति सुजुकी स्टोरी डाल दो। रिस्पॉन्स को देखते हम इस वीडियो को प्रायोरिटी पे आपके लिए बनाएंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी है वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दो एंड फ्यूचर के लिए कोई सजेशंस है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स थ्रू बता सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।